हाय गाइस, दिस इज हियर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब एल्बम। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कोई वीडियो में जो है जॉब का अपडेट नहीं देने वाला हूं। आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूं जो काफ़ी 3-4 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप जो है नंबर पर चल रहा है। वो फैक्ट क्या है, वो बात क्या है, वीडियो थोड़ा अच्छे से पूरे से थोड़ा 5-10 मिनट टाइम निकाल के जरूर देखिएगा। एक्चुअल क्या है कि 3-4 दिन से हम लोगों को दूसरे कंपनी वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि आप भी जो है चार्ज लीजिए कैंडिडेट से, जो है कम से कम 3,000-4,000 नहीं तो कम से कम 2,000 लीजिए। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, तो आप इतना लूटो मत। कहने का मतलब है कि काफ़ी जो है टाइम से मैं सुन रहा हूँ लड़के लोगों का जो है फ़ोन में बोल रहे कि सर हम लोगों से इतना चार्ज लिया, वो एजेंसी, वो कंपनी एक्स वाई जेड, जो भी बहुत सारी कंपनी का नाम मतलब आता है सामने, लेकिन वो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। सीधा बात बोलते हैं कि भाई तू अपना देख, तू जाने, वो कंपनी वाला जाने। पहली बात, पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं रहती कहीं पे जॉब्स में, जो है कहीं पे भी आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, अगर दिया तो तू जान, तेरा कंपनी वाला जाने भाई, मैं वो हम लोगों को उसके झमेले में नहीं पड़ना है। प्लस हम लोग वो जानना भी नहीं चाहते हैं। कल यही हुआ कि 2 से 3 लड़का एक्चुअल में हम लोगों को अपने ही ऑफिस में टकरा गए। पीजी का सर्च करते करते, पीजी सर्च करते वही मिले थे कि पूछा सर इधर पीजी मिलेगा क्या, तो ठीक है भाई किधर से आए हो, बैग डाल के काम चाहिए क्या? नहीं सर, काम तो हम लोगों को मिल गया, बिल दिखाया इतना बड़ा, सर ये बिल लेके आए हैं, काम हम लोगों को मिल गया, कंपनी में बोला कि आप जो है उस लोकेशन में आपको जो है जॉब मिलेगा, आप वहाँ पे पीजी में रह लीजिए। तो बंदे लोगों का दो लड़के लोगों का मैंने बिल देखा, 4,000 का लगभग, 2 आदमी का 8,000 का बिल था। अब वो लोग बेचारे बाहर वाले उस एरिया में आके पीजी सर्च कर रहे हैं, पीजी मिलेगा, पीजी में वो अपना जो है ठिकाना बनाएंगे, वहाँ पे वो किराया देंगे, वहाँ पे वो रेंट देंगे, उसके अलावा वो 4,000 रुपये 1 आदमी का पे करके आए हैं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे लूटने वाले भी हैं, ऐसे ऐसे लुटाने वाले भी हैं, देने वाले हैं क्या? और वहाँ पे ही उन लोगों को ट्रस्ट होता है, जहाँ पे फ्री का जॉब मिलता है, जहाँ पे आपको सब कुछ फैसिलिटी दी जाता है, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं मिलता है। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ एजेंसियाँ भी दावा करती है कि हम लोग अच्छे हैं, जेन्युइन हैं, हम लोग रियल हैं, बाकी सब फेक है। तो मैं वही सब अपडेट देता हूँ कि गाइस, 2-3 दिन से हम लोगों के पास एक तो कॉल आ रहा, दूसरा क्या कि उन्हीं कंपनियों का एक सर्कल, उन्हीं कंपनियों में से कुछ कैंडिडेट्स, उनके चेले चपाटी जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि यूट्यूब में अपने मेरे चैनल पे यूट्यूब में फेक कमेंट्स डालते हैं, गलत कमेंट्स डालते हैं, पता नहीं क्या 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 मेंशन कर देते हैं, ये फेक एजेंसी है, क्या बोला वो 2-3 दिन पहले एक और कैंडिडेट डाला था कि सब पैसे का खेल है, ये लोग पैसा लेते हैं, आप लोगों को लूट लेंगे, मतलब क्या क्या पता नहीं। एक को जो है हम लोग रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, हम लोग रिमूव करते हैं तो दूसरा जो है बंदा उस पर कमेंट्स करने लगता है। व्हाट्सएप पे भी वही हो रहा है, व्हाट्सएप पे जो है इतना बोलने पर भी जो है व्हाट्सएप पे सुबह से शाम जो है इतने कॉल्स आते हैं, और करते कौन है, वही लोग हैं, उनका ही ग्रुप, मतलब जो बड़ी एजेंसी जो रहता ना उनका ही ग्रुप में से जो वो कॉल करवाते हैं, सर आप चार्ज देते हैं कि सर हम आ रहे हैं, सर हम वो इस स्टेशन पर खड़े हैं, सर हम लोगों को पैसा भेज दीजिए, हम लोगों के पास पैसे का टिकट का पैसा नहीं है, हम लोग सर 20 आदमी ग्रुप है, सर 20 आदमी का इतना अमाउंट बनता है, सर आप प्लीज़ सर हम लोगों की हेल्प कीजिए, काम नहीं है, आप जो है ट्रेन का टिकट का पैसा भेज दीजिए। मतलब वो सारा का सारा खेला जो रहता है वो उन एजेंसियों के द्वारा खेला रहता है, वो उन कंपनियों का रहता है, ताकि वो हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना सके कि हम लोग जो है कैंडिडेट से पैसा लें। लेकिन मैं उन कंपनी लोगों को या फिर उन लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास में स्टार्टिंग से ही आज तक फ्री में जो था, फ्री में है और फ्री में रहेगा फ्यूचर में। हम लोगों की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है कैंडिडेट्स से, और मैं कैंडिडेट लोगों से, उन जो है लड़के लोगों से, उन मेरे भाइयों से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि ट्रस्ट कीजिए, आपको जहाँ लूटते हैं ना वहाँ मत जाइए। आप चार दिन बैठ जाइए घर में, या फिर हो सके तो अपने ही गाँव में कहीं पर सर्च कीजिए। आप अगर मान लो 10 आदमी एक साथ में आते हैं, 10 आदमी 4,000 एक कैंडिडेट्स का दिया जाता, तो 10 आदमी 1 घंटे में 40,000 रुपये होता है। 40,000 की वैल्यू समझते हैं आप? 3,000 रुपये जो आप देते हैं, 4,000 रुपये, वो 3-4,000 रुपया
अगर आप शेयर मार्केट में डालेंगे, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वही 3-4 हज़ार रुपया कुछ सालों में आपका थोड़ा अच्छा रिटर्न देता है। सिर्फ 3-4 हज़ार रुपया, 3-4 हज़ार रुपया 1 साल की 2 साल की 3 साल की जो भी उन कंपनियों के द्वारा आपको वैलिडिटी दी जाती है, उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपायर, फिर 3-4 हज़ार रुपये दो। तो गाइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ एक ही बात कि मेरे इस चैनल पे, मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी ऐसी अननोन हरकत नहीं करें। मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो आप लोगों को फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे आपको जो है ब्लॉक करना पड़ेगा। खामखा जो है, जो बंदे कैंडिडेट, सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं, जो आउट ऑफ स्टेशन से बेचारे आते हैं, उनकी पेट पे लात में मत मारो आप। उनको कम से कम मत भटकाओ। आप लोग उनको भटका के उन लोगों के पास लेके जाते हैं जहां चार्जेस रहता है। कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो मतलब फोन करके बोलते हैं, सर मेरे पास 30 से 40 कैंडिडेट्स है। ठीक है भाई, भेज दो। और क्या? अच्छा सर, पैसा कितना देंगे? मुझे अलग से कुछ मिलेगा क्या एक बंदे का? भाई, हम लोग लड़के लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, तो हम लोग आप लोगों से कैसे देंगे? जो एजेंसी वाले, जो कंपनी वाले लड़के लोगों से 3 हज़ार 4 हज़ार ज्वाइनिंग फीस के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे लेते हैं, वो अगर आपको एक उसमें से 500 या 1,000 रुपये भी दे दिया, तो उनके घर से क्या जाएगा? मुझे बताइए एक चीज, उनके घर से क्या जाएगा? कुछ जाएगा क्या? उनका तो फायदा ही तो है था। अगर 3 हज़ार भी लिया लड़के से, एक लड़के से 20 लड़का भेजा आपने, कितना हो गया? हाँ, 3 हज़ार और 20 लड़का 8 हज़ार रुपये वैल्यू होती है। 60 हज़ार में से अगर मान लो आपको 500 रुपये एक लड़के का भी दिया, या फिर 1,000 रुपये भी मान लो यार, 1,000 रुपये आपको एक लड़के का दिया, कितना हो गया? 30 हज़ार। 30 हज़ार भी तो उसके पास सेफ हो रहा ना, बच रहा ना, फालतू की कमाई हो रहा ना, वो तो आपकी मेहनत का पैसा खा रहा ना, क्यों नहीं? तो फिर आपको पैसा क्यों नहीं देंगे? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फ्री में जॉब देते हैं, फ्री में दिलवाते हैं। अगर आप लोगों के पास कैंडिडेट्स है तो भेजिए। हाँ, मैं कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वन टाइम पेमेंट की व्यवस्था करवाएं। अगर एक लड़के के पास ज़्यादा कैंडिडेट्स है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग वन टाइम पेमेंट करवाते हैं, करवाएंगे आप लोगों को। नहीं तो हम लोगों की तरफ से जो है ट्रेन की व्यवस्था, हम लोगों को टिकट की व्यवस्था, वो सब हम लोग कंपनी वाले करवा के देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट्स है तो बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज रहती है। और जहाँ पे 30 हज़ार, जो सॉरी, जहाँ पे 17 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार बोल के आपको काम पे लेके जाते हैं ना वो लोग, जहाँ रूम भी फ्री दिया जाता है, खाना भी फ्री दिया जाता है, बोला जाता है कि 16 हज़ार सैलरी है, 17 हज़ार सैलरी है, रूम फ्री है, खाना फ्री है, मेरे भाई लोग ऑल ओवर इंडिया में 18 हज़ार सैलरी, 17 हज़ार सैलरी प्लस रूम खाना पीना कहीं पर भी नहीं है। लेबर लोगों के लिए है, हेल्पर लोगों के लिए मैं मानता हूँ रहेगा कहाँ पे, ऑफिशियल जॉब में कहाँ रहता है, लेकिन हेल्पर के लिए ये हो ही नहीं सकता कि 17-18 हज़ार देके आपको रूम और खाना पीना देगा। 17-18 हज़ार और खाना पीने का मतलब है कि एक कैंडिडेट उस कंपनी को 20 हज़ार 25 हज़ार में जो है आता है। 20-25 हज़ार एक कैंडिडेट वर्कआउट करता है उस कंपनी में, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको फेक रास्ते पे लेके जाते हैं। आप अगर एक बार 3 हज़ार दे देंगे ना चार्जिंग, तो सीधा बोलेंगे रिटर्न नहीं है, तू जॉब कर ले। जॉब में फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, उनके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। जहां 8 घंटे का बोला जाता है वहां 12 घंटे का मिलेगा, जहां जो है 17 हज़ार सैलरी बोला जाता है वहां 12 हज़ार मिलेगी। कहने का मतलब है कि आपको फैक्ट छुपाया जाता है आपसे, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। 10 आदमी यहाँ आने दे भाई, आने दे 10 आदमी, आने दे, काम मिलेगा मिलेगा, एनी टाइम काम मिलेगा। रात के 12 बजे भी कॉल कर, तुमको उस जगह पे काम मिलेगा मिलेगा भाई, मिलेगा मिलेगा, क्यों नहीं यार? क्योंकि वहां पैसा लिया जाता है, उन लोगों को पैसा मिलता है। आपको कौन से भी एक जॉब में डाल देंगे, धकेल देंगे, आप जाने और आपका काम जाने, बस कुछ भी होगा क्या बोलेंगे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं क्या करूँ, तुमने बदमाशी किया था इसकी वजह से ये हुआ था। ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास चाहिए तो मैं एक प्रूफ दूंगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आके गए थे हम लोगों के पास, जिसकी सैलरी 3-3 दिन तक पेंडिंग, सिर्फ 3 दिन की सैलरी पेंडिंग थी, 3 दिन काम करके गए थे, उनका भी हम लोगों ने पेमेंट करवाया। प्रूफ है हम लोगों के पास, पेमेंट करवाया। और कुछ मतलब बातचीत हो गई थी उनके बीच में, हुआ सिर्फ इतना ही कि
दो दिन पेमेंट डिले हो गया था, लेट हो गया था, संडे आ गया था बीच में, इसलिए तो झगड़ा कर लिया उन्होंने कि सर हम लोग ऐसा है, फर्स्ट टाइम ही आए थे वो लोग। 3 दिन का उन लोगों का पेमेंट करवाया, आज भी वो लोग कॉल कर रहे हैं काम के लिए। और मुझे ये बात पता थी कि ये ऑल ओवर बेंगलोर में घूम जाएंगे ना, तो हम लोगों जैसा काम कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो 3 दिन का पेमेंट निकाल के देते दे आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा यार। 3 दिन क्या आपको 15 दिन 20 दिन का पेमेंट कोई नहीं देने वाला है जहां से आप झगड़ा करके जाएंगे। वो बंदा मुझे वापस कॉल किया था, नाम मेरा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से पुरुषोत्तम है या कुछ पी से नाम है उसको। वो बंदा अगर देख रहा होगा तो शायद हंसेगा या कमेंट्स करेगा मुझे, या कॉल जरूर करेगा। क्या वो कॉल कर रहा मुझे कि सर मुझे जो है कहीं पे जॉब दिलवाइए, कहीं पे काम दिलवाइए। तो ऐसे ऐसा होता है कैंडिडेट्स हम लोगों के पास, 3 3 4 4 दिन का पेमेंट दिलवाते हैं हम लोग, इसको बोलते हो ट्रस्ट। लेकिन होता ये कि हम लोग रिव्यू वीडियो नहीं डाल पाते हैं। रीजन ये रहता है कि काम इतना सारा हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब रिव्यू वीडियो नहीं जाता है तो कैंडिडेट्स के मन में थोड़ा डाउट आ जाता है कि कोई फेक एजेंसी है, कोई फेक कंपनी है। भाई लोग, जब आप लोगों से पेमेंट नहीं लिया जाता है, आप लोगों से किसी भी तरह की कुछ मतलब पेमेंट या पगार या पैसा नहीं लिया जाता है, आपसे कुछ मांगा नहीं जाता है, तो किस चीज़ का फेक समझते हैं आप? और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है, वो उन एजेंसी वालों के लिए, ये उन जो है कंपनी वालों के लिए जो मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में और मेरे इस व्हाट्सएप में आके जो गलत गलत बोलते हैं, जो अपने आप को अच्छा और बहुत बड़ा बनाता है, एक बड़ा ब्रांड मानते हैं, वो हम लोगों के यहाँ आके उंगली करते हैं। क्योंकि उनका खाना पीना बंद हो रहा है धीरे धीरे, उनका राशन पानी बंद हो रहा है, क्योंकि सारे लड़के लोग इधर मूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली। तो गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए। जैसे आप लोगों ने इतने टाइम से हम लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दी, इतने टाइम से आप लोगों ने साथ दिया, वैसे ही साथ देते रहिए। हम लोग आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब्स लेते आते रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोगों के पास जो रहता है काम, वो एक दिन लाइक मतलब आज आया तो एक हफ्ता 10 दिन ही चलता है। हम लोग पास एनी टाइम जॉब्स नहीं अवेलेबल रहती है जो आप चाहते हैं। उसका एक ही रीजन रहता है कि फ्री का जॉब जो रहता है उसमें जो है 10 आदमी बुलाते हैं तो 100 आदमी आ जाता है, 50 आदमी आ जाता है। तो उसमें हम लोग उसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, धक्का दे के तो उसको रखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग के पास वैकेंसी थोड़ी कम रहती है, कहने का मतलब है रहती है, लेकिन जो है क्वांटिटीज में आपको कम मिलती है। तो गाइस, मुझे आप लोगों पे विश्वास है, और आप लोगों को भी जो है एक बात है कि आप लोग भी हम लोगों के ऊपर विश्वास कीजिए और हो सके तो ट्रस्ट कीजिए। तो गाइस, नमस्कार, बाय बाय।